अचार के साथ खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है, और वो अगर तीखा चटपटा अचार हो तो फिर क्या बात है। खाने की थाली में अगर अचार मिल जाए तो स्वाद चार गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का तीखा चटपटा सा अचार, जो आप सालों साल रख के आराम से खा सकते हैं और जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम हरी मिर्च लेंगे। तो आपको हरी मिर्च जो लेनी है वो एकदम डार्क कलर की, जो ग्रीन आती है वो लेनी है। अगर आप कच्ची हरी मिर्च लेंगे तो आपका जो अचार है वो ज़्यादा दिन तक आप रख नहीं सकते। और इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद एक कपड़ा ले लेंगे और कपड़े की हेल्प से इसे हम पोंछ लेंगे। ऐसा करने से मिर्च में जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो सब पोंछ जाता है, और जो मिर्च होती है वो एकदम साफ़ भी हो जाती है। आप देख सकते हैं मिर्च में कितनी डस्ट वगैरह लगी हुई है, तो ये सब अच्छे से साफ़ हो जाती है। अचार बनाने के लिए आप जब भी मिर्च या फिर किसी भी वेजिटेबल का इस्तेमाल करें तो उसमें मॉइस्चर बहुत कम होना चाहिए, तभी आप अचार को सालों साल रख सकते हैं। तो आज जो हम अचार बनाएंगे ये बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारी मिर्च अच्छे से पोंछ ली है और इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो मैंने मिर्च का इस्तेमाल किया है ये हल्की सी मोटी मिर्च है। इसका अचार खाने में बहुत अच्छा लगता है, ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मिर्च को ले लेना है इस तरह से सरफेस पे रख के, या फिर जिस तरह भी आपको इजी लगे बीच से कट लगा लेना है। आप इस तरह से जब अचार बनाते हैं ना तो अचार देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और अच्छे से गल भी जाता है। आप चाहें तो इसे बीच से भी कट कर सकते हैं, लेकिन वो अचार देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से हम सारी मिर्च को कट करेंगे एक एक करके। आप यहाँ पर कैंची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर मुझे इस तरह छुरी से काटना ही इजी लगता है, इसलिए मैं इसे इस तरह से कट कर रही हूँ। बाकी आप ग्लव्स पहन के भी इसे कर सकते हैं। देखिए एक एक करके मैंने सारी मिर्च को इस तरह से बीच से कट लगा लिया है, और ये प्रोसेस करने में मुझे 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा है। अचार बनाने का जो प्रोसेस है वो सबको बहुत ज़्यादा लंबा लगता है, लेकिन आज जब आप अचार बनाना देखेंगे कि कितना आसान है अचार बनाना। अचार बनाने के लिए आपको सिर्फ इस तरह वॉश करके हरी मिर्च को रखना है, और उसके बाद एक मसाला बनाना है, और मसाला बनाने के बाद उसे भून कर हम अचार बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मसाला बनाने के लिए हमने 2 चम्मच सौंफ ली है, इसकी खुशबू अचार में बहुत अच्छी आती है। उसके बाद 1/4 टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है, और 1 टेबल स्पून भर के हमने क्रश धनिया ली है। धनिया का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार में। उसके बाद 1 चम्मच हम यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए ये जो कलौंजी है ये हमने ली है 1/2 चम्मच, लेकिन हम इसे इस मसाले में ऐड नहीं करेंगे, इसे हम बाद में ऊपर से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये जो मस्टर्ड सीड्स हैं, ये मैंने 2 तरह के लिए हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये जो एक पीली वाली सरसों आती है, एक ये है और एक ये ब्लैक वाली है। अचार बनाने के लिए ये पीली वाली सरसों ही परफेक्ट होती है, इसमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप इस येलो सरसों का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो अब हम ये येलो वाली जो सरसों है इसको हमने 2 टेबलस्पून भर के ले लिया है, और इसे अब हम ब्लैक वाली सरसों को साइड कर लेते हैं। और सबसे पहले हम इस पीली सरसों को रोस्ट करेंगे ड्राई। तो यहाँ पर मैं सरसों को अलग रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम इसे अलग से क्रश करके दरदरा पीस के डालेंगे, तभी अचार में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम लो फ्लेम पर सरसों को अच्छे से भूनेंगे, जब इसकी जितनी भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा तब तक हमें इसे भून लेना है। इसका ये देखिए हमारी जो सरसों है ये भून चुकी है, इसे हम साइड कर देते हैं। अब जो बाकी मसाले हैं वो भी हम इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे धीमी आँच पर। अचार बनाने के लिए आपको इस मसाले को पहले से भी बना के रख सकते हैं, और फिर इस प्रोसेस को आपको करने में बहुत आसानी होगी कि आपके पास पहले से ही मसाला स्टोर होगा। तो इस मसाले से आप बाकी सारे अचार भी बना सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल अचार भी बहुत अच्छा लगता है। आगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप मेरे चैनल के साथ बनी रहिए। मैं आती हूँ आपके लिए डेली एक नई वीडियो के साथ, और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए। तो देखिए जो हमारा मसाला है ये अच्छे से भुन गया है, तो अब हम क्या करेंगे इसे ठंडा कर लेंगे इसी तरह से, फिर उसके बाद हम इसे पीसेंगे। और तब तक के लिए हम जो हमने सरसों ड्राई रोस्ट की थी उसको क्रश कर लेते हैं एक इमाम दस्ते में, एक लेटर की हेल्प से हम इसे क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे इस लेटर में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इस तरह से हम इसे कूट लेंगे। बहुत आसानी से ये दरदरी दरदरी इसमें कूट जाती है, देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये बढ़िया से कूट चुकी है।
ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से हमें चाहिए अचार के लिए। ये देखिए इस तरह से हमें हल्की सी दरदरी दरदरी चाहिए। आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं लेकिन वैसा टेक्सचर नहीं आएगा, उसमें एकदम पाउडर बन जाएगा इसका। चलिए बाकी मसाला है वो हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें मैंने सारा मसाला ठंडा करके ट्रांसफ़र कर दिया है। आप मसाले को ठंडा करके ही पीसिएगा। और देखिए मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है और मसाला हमारा पिस चुका है। मैंने मसाले को भी एकदम बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा मैंने इसे मोटा ही रखा है। जब मोटा मसाला होता है उससे अचार का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए इसको पीस के हम साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल अचार के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम तेल को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे। देखिए जब तेल से धुआं निकलने लगेगा इस स्टेज तक हमें तेल को गर्म करना है। उसके बाद हमें तेल को ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। जब तेल हल्का सा लुकवार्म रहेगा तभी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तब तक जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा है इसमें हम बाकी मसाले भी ऐड करेंगे। कुछ पिसे मसाले मैं इसमें शामिल करूंगी। सबसे पहले जो सौंफ का हमने पाउडर और जो बाकी सारी चीज़ों का मसाला बना के रखा था वो डाल देते हैं। उसके बाद जो हमने राई पीसी थी वो भी डाल देंगे और जो कलौंजी हमने निकाल के रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ पिसे मसाले भी डाल देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और आधा चम्मच ही इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, जो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच के बराबर हींग भी डाल दी है। हींग अचार में बहुत अच्छी लगती है और ये डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। नमक मैं यहाँ पर भूल गई थी, तो सबसे पहले यहाँ पर नमक डाल देती हूँ। नमक मैंने एक टेबल स्पून भर के डाला है क्योंकि अचार में नमक परफेक्ट होना चाहिए, तभी अचार का टेस्ट अच्छा आता है। तो नमक डालकर भी इसे अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद एक बाउल में कटी हुई हरी मिर्च ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद सबसे पहले इसमें डालेंगे जो मसाला हमने ग्राइंड किया है। इस तरह से हाथों की हेल्प से आप फैला के डालिए। अचार बनाने के लिए आप हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो मसाला अच्छे से अचार पे चिपक जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले ये मसाला डाल देंगे, उसके बाद गर्मा गर्म ऑयल हम इसमें इसी तरह से डाल देंगे। ये जो तेल है ये बिल्कुल लुकवार्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए अचार के लिए, बस हल्का सा गुनगुना तेल होना चाहिए। तेल डालकर हम इसे एक बार अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, तेल उतना ही डाला है जितनी यहाँ पर ज़रूरत है। बचा हुआ तेल हम ऊपर से अचार में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें विनीगर ऐड करेंगे। विनीगर डालने से अचार की जो शेल्फ़ लाइफ है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अचार तो आप ऐसे भी खा सकते हैं रख के, लेकिन इसे आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते। और हम इसमें किसी भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे हम विनीगर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने विनीगर जो लिया है वो 2 टेबल स्पून लिया। अगर आपके पास विनीगर अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर आप 2 नींबू का रस निचोड़ के इसमें डाल सकते हैं, उससे भी इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आप इस तरह से अगर अचार को बनाएंगे तो इस अचार को आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना होगा, तभी जो अचार है वो आप सालों तक रख सकते हैं। क्योंकि अचार में अगर तेल कम होता है तो फंगल्स लगने का डर रहता है, इसलिए अगर आपको अचार को सालों स्टोर करना है तो आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पर अब हम एक जार ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कांच का जार लिया जिसे अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। अचार में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें जार को भी काफ़ी अच्छे से सुखा लेना है। जब ये अच्छे से सूख जाए तभी आपको इसमें अचार रखना है। तो सारा अचार मैंने देखिए इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और जो मसाला बचा था वो मसाला भी हम इसी में डाल देते हैं। अब जो बाकी बचा हुआ ऑयल है वो भी हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। अचार के ऊपर से जब आप ऑयल डालते हैं तो अचार में तेल अच्छे से मिल जाता है और सब तरफ अच्छे से ऑयल पहुंच जाता है। तो मैंने बहुत ऑयल नहीं डाला है, लेकिन आपको इसे स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इतना कि अचार पूरा तेल से डूब जाए, तभी आप इसे साल भर रख के आराम से खा सकते हैं। और ये जो अचार है ये बहुत टेस्टी बनता है। हरी मिर्च का जो अचार है ये तीखा भी बनेगा और हमने जो इसमें विनेगर का इस्तेमाल किया है इससे इसमें चटपटा सा टेस्ट भी आएगा। तो देखिए अचार बनाना कितना आसान है, बस थोड़े से स्टेप फॉलो करने हैं और टेस्टी सा अचार आपकी थाली में
इंक्लूड हो जाएगा। तो देखिए इस रेसिपी को, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।